बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके होस्ट ज़ुलैखा नासिर और आप देख रहे हैं आज ज़ुलैखा नासिर के साथ ओनली ऑन उर्दू न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं तुलसी बट के घर में, जो कि एक बहुत ही मशहूर राइटर की औलाद में से एक हैं। उनके 7 बच्चे थे, जो 6 बच्चे नॉर्मल हैं और 1 ट्रांस हैं, जिनका नाम है तुलसी बट। हम आज उनसे बात करेंगे कि जैसे हम जानते हैं कि इस माशरे में ट्रांसजेंडर्स को कितना तंग किया जाता है, उनके लिए जॉब्स लेना, जॉब्स हासिल करना कितना मुश्किल होता है, सोसाइटी में मूव करना कितना मुश्किल होता है। तो हम इनसे जानेंगे कि इस माशरे में जहां ट्रांस का जीना लोग दोभर कर देते हैं, वहां ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं और ये क्या कहना चाहती हैं, ये आवाज़ अपनी पहुंचाना चाहती हैं आवाम तक कि क्या कहना चाहती हैं। हम इनकी ही ज़ुबानी इन्हीं से पूछते हैं। तुलसी, कैसी हो आप? बस अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शुक्र गुज़ार हूँ, क्योंकि अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए, जो भी वो अता करे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, बंदा बशर ये बोलो कि जो अल्लाह की रज़ा वो बंदे की रज़ा, ये मत बोलो जो बंदे की रज़ा वो अल्लाह की रज़ा, ये कुफर है। अल्लाह की रज़ा के साथ अपनी रज़ा मिलाओ, जो अल्लाह ने हालात दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे रहती हैं? रेंट का घर है, अपना घर है, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? किराए का घर है काके, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि अभी तक जितने भी इंटरव्यू हुए उसमें किसी ने भी मेरे घर का वो नहीं दिखाया। ये जो है, मैं आप चाहती हूँ कि आप अपने इस प्रोग्राम में ये दिखाओ कि मैं कैसे अपना, मेरे पास चूल्हा भी नहीं है ना, मतलब अव्वल तो कुछ दाल घी मिर्च होता, आटा नहीं आ जाए तो पकाने के लिए कोई बर्तन कोई चूल्हा नहीं। अच्छा। अड़ोस पड़ोस से भी रोटी पानी आ जाता है। अच्छा। तो मैं खा लेती। अभी ये मेरे पीछे रहते हैं, उन्होंने मुझे चाय बना के दी, कपड़ा ऐसे कोई रोटी दे जाती। अच्छा। अम्मी है, उनको मैं घर नहीं रख सकती, शुगर है, गर्दन टूटी हुई है उनकी, गर्दन तशनश का राइट लेफ्ट का मसला है, वो रोटी की वजह से अम्मी को मैं भाई की तरफ बहन की तरफ, मुझे तो वो नहीं मिल रही क्योंकि उनके गार्ड जो है ना कोठियों के बाहर गार्ड है। अच्छा। वो धक्के मार, मतलब आपके भाई बहन जो है वो कोठियों के पालेंगे? हाँ। वाजिबा, वो मतलब चाहे तो शायद लोगों के 2-2 लाख रुपए वजीफा लगा सकते, लेकिन वो अम्मी को नहीं देते। उनकी कुआरी 2 बहने हैं और ये पहले को मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई बच्ची का रुखसत कर दूँ, क्योंकि मुआशरा बहुत गंदा है। बिल्कुल। तो मैं, लेकिन अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं पूरे कुरान में ज़ुलैखा अब वेल एजुकेटेड हूँ बेटा, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अंगूठा छाप हूँ, तो सिर्फ कुरान पढ़ी हूँ। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या पूरे कुरान में कहीं पर भी आपने ये पढ़ा है कि अल्लाह पाक भीख मांगने का कह रहे हो? अल्लाह पूरे कुरान में बार बार एक ही बात का दर्स देते हैं कि रब के दिए से रब की राह पे अता करो, सदका खैरात आप दो, हाथ ना पिलाओ अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ ना पिलाओ। ये हालात आ गए हैं मेरे, जस्ट चेक। अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदों की मदद करता है। अल्लाह पाक ने ही आपको पैदा किया है और वो ही आपको मदद करेगा। हॉस्पिटल जाती हूँ मैं, मेरा ये आप देख सकते हो, ये भी रसोलियाँ, ये भी है, ये भी है, यहाँ पे भी है, ये भी है, यहाँ पे चेस्ट पे भी है, तो मैंने कहाँ कहाँ पे बता नहीं सकती। मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, कहते जी शनाख्ती कार्ड दो, मोबाइल नंबर लिखाओ। भाई मैं कहाँ से दूँ? तो वो शनाख्ती कार्ड की वजह से कोई पर्ची नहीं मिलती, पर्ची ना मिलने की वजह से डॉक्टर नहीं मिलता, तो वापस आ जाती हूँ धक्के धुके खा के। कहते जी पर्सनल ये प्राइवेट लेबोरेटरी से टेस्ट करवाओ, 15-16 हज़ार रुपये मेरे लिए तो बहुत है। तुमसे मुझे ये बताएं कि आप के वालिद साहब जो कि उनका नाम अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगी, क्योंकि जितनी इज्जत से आप नाम ले सकती हैं कोई नहीं ले सकता, आप मुझे बताएं कि वो क्या करते थे और उनका क्या मुकाम था और उन्होंने किस किस के साथ काम किया? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मेरे वाला साहब तो एक दरवेश थे, और दरवेश ही थे, वो कैसा बाप होगा कि जिसने एक मेरे जैसे खुसरे को, ख्वाजा सरा को एक बेटी की तरह, एक बेटे की तरह रखा। अम्मी को कहा करते थे कि बाकी के बच्चों को नहीं लेकिन इसे, इसका ख्याल रखा करो, शायद उन्हें पता था कि मैंने आने वाले कल में उनकी हक की आवाज़ खड़ी कर। मेरी तोबा तोबा नुसरत फ़तेह अली खान साहब, सुनी होगी आपने, ग्वाली चिड़ियाँ बोल दियाँ, यारा को यार को अच्छे लग गए, बेकदरा सजना साथ रोया नहीं जाना, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, दिले उम्मीद तोड़ा किसी ने। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह भला करे। सबसे बड़ी बात कि इंडिया में, भारत में उन्होंने इतनी मूवीज़ का म्यूजिक दिया जिनमें से 7 2007 में रिलीज हुई 10 कहानियाँ, आप में से भी कोई देख सकता उठा के, उसके साथ टेलर्स में देखिएगा,
अंबर शाहपुर का नाम आपको मिलेगा। उसके बाद मन्नत फिल्म का उन्होंने म्यूजिक दिया, मन्नत भी आप उठा के देख सकते हैं, जिमी शेर की फिल्म 2005 में रिलीज हुई। सबसे बड़ी बात, सांसों की माला पे कितना हिट तरीन सॉन्ग, वो उन्होंने पाकिस्तान में नुसरत ने पहले गाया, उसके बाद इंडिया में कविता जी अलका जी ने गाया। तो पाकिस्तान की चीज भारत के ममालिक में हिट हो रही है, तो ये किसका नाम हो रहा है? पाकिस्तान का। बिल्कुल। तो आज मुझे दुख ये नहीं है कि अंबर शाहपुरी का कलाम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कूचे कूचे पे गूंज रहा है। दुख इस बात का है कि जिसको जिस जिन पौधों को अंबर शाहपुरी ने अपनी रगों का खून दे दे के पाला, वही पौधे अंबर शाहपुरी को छाव न दे सके। शफकत अली खान साहब, मैं बार बार बता रही हूँ, शफकत अली खान ही इज ग्रेट, आई डोंट थिंक ही इज अ इंसान, ये फरिश्ता है गरीब लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के सर पे हाथ रखते हैं। सिवाय इनके पूरी इंडस्ट्री कान खोल के सुन ले, मेरे पास कोई नहीं आया, मेरी किसी ने मदद नहीं की। और मैं आज इनको दुआ देती हूँ कि ऐ मेरी मदद ना करने वालों, तुम लोगों की अल्लाह मदद करे, तुम लोगों की अल्लाह मदद करे, क्योंकि माफ़ करने वाली ज़ात, पकड़ में लेने वाली ज़ात, सजा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलिफ लाम मीम में फरमा रहे हैं कि संवारने और बिगाड़ने का इख्तियार सिर्फ रब को है। आजकल एक बच्चा बड़ा फेम में आया है, तेरे नाल प्यार हो गया, सुना होगा आपने जी। उस बच्चे का नाम है ज़हीर लोहार, ज़हीर लोहार साहब, उन्होंने उनका जो पहला कलाम है वो भी मैं कोशिश करूँगी कि प्रोग्राम के लास्ट में मैं दिखा सकूँ। उनका जो पहला वॉल्यूम, दो डेट तो नहीं मुझे याद, लेकिन 10-15 साल की उम्र में ही मिल गया, 10-15 साल की उम्र में उनका पहला वॉल्यूम हिट हुआ, वो तक अंबर शाहपुरी का था। और ज़ुलेखा बेटा मेरा आपसे सवाल है, अभी आप इधर आए हो इंटरव्यू करके जा रहे हो, तो इंटरव्यू वायरल होता है तो समझ आती है, जब आप इधर आए ही नहीं हो तो मेरा इंटरव्यू वायरल कैसे हो जाएगा, या कैसे हो गया? सवाल तो खड़ा करने का इख्तियार मुझे है। अंबर शाहपुरी के मरने के कम से कम 6 साल बाद उनका कलाम गाया जाता है, तेरे नाल प्यार हो गया। लम्हा फिक्र ही है ना कि ज़हीर लोहार के पास ये कलाम पहुंचा कैसे, पहुंच भी गया। मैंने कॉल किया मुबारक देने के लिए कि लोहार तेन मुबारक हो, ज़हीर ने लंग तेन कामयाबी दीती, वो डर के उन्हें फोन ही नहीं चुकया। भैया आप सच्ची हो, आप राइट हो तो फोन उठाओ, मुझे मिलो। मैंने कौन सा, मैं किसी से बार बार वार्निंग दे रही हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांग रही, क्योंकि भीख मांगने की इजाज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं दी। ठीक है, कुछ लोगों का कारोबार है, नीचे कैन नॉट भी चेंज, अपने अपना कानून, अपने अपने असूल, अपनी अपनी सोच की बात। बाकी मेरा ज़मीन मलामत करता है, मुझे हाथ पांव अल्लाह ने दिए, मैं अभी भी अपना कमा के खाना चाहती हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये है और उसी 100 रुपये से मुझे 2-4 दिन गुजारने, लेकिन मैं और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि उस 100 रुपये इन्होंने हमारे आने से पहले वो रखे हुए थे, और इन्होंने हमें कहा कि बेटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अल्लाह पाक कहते हैं कि दुश्मन भी आ जाए तो उसके लिए भी आप जो है ना जो अच्छे से पेश आना चाहिए। उन्होंने उसको 100 रुपये को रखा हुआ था और उन्होंने मुझे कहा, मुझे बताओ बेटा मेरा कि तुमने क्या खाना है। तो जैसे कि हमने आपको मिलवाया एक ट्रांसजेंडर से जिनका नाम है तुलसी भट्ट, बहुत बड़े नामवर राइटर की औलाद में से हैं, उनका क्या हाल है, क्या हालात हैं, उन्होंने आपको सब कुछ बताया। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी मिलकर, अगर हम मिलकर बाकियों की भी तो मदद करते हैं, जो कहता है कि इनका हक नहीं है गलत कहता है, इनका हक है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर वो चाह रही हैं कि वो गलत काम ना करें, वो मॉडल रह चुकी हुई हैं, ठीक है, बहुत मॉडर्न भी रह चुकी हुई हैं, लेकिन अब अगर वो उस चीज़ से तौबा करके इस साइड पे आई हैं, अल्लाह पाक ने उनको एक मौका दिया कि वो तौबा करें, नमाज की तरफ वो आई हैं, तो हमें चाहिए कि इस तरह के इंसान की हम लोग मदद करें। इसी प्रोग्राम के साथ हम लोग आपसे इजाज़त लेते हैं, दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।